आज का जो अपना टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अपने इसके अंदर अपने को मेनली देखना क्या है, हमारे जो टैक्सोनॉमी के अंदर जो मेजर चैप्टर आएगा वो आएगा सेमी टेक्निकल टर्म्स और आर्टिफिशियल कीज का। टैक्सोनॉमिकल हमें कोई फ्लावर है उसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखना होता है, जब भी अपन बुक्स के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर किस तरह की टर्म का यूज होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम नॉर्मली एक जो फ्लावर होता है उसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं, देखना कि भी फ्लावर्स है उसके कौन कौन से पार्ट्स है। तो देखो सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है नीचे की तरफ पेडिसिल। पेडिसिल फ्लावर का वो वाला पार्ट है यानी कि फ्लावर का बेस होता है, जिस तरीके से लीफ का बेस होता है लीफ पेटियोल, सेम उसी तरीके से फ्लावर का जो बेस होता है वो है पेडिसिल। इसको पुष्प वृंत भी कह सकते हैं। उसके बाद में ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है, इन लीफी स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं सेपल। ये होती है सेपल्स। सेपल्स एक यूनिट है। सेपल्स का जो पूरा वर्ल्ड बनेगा, जैसे मान लो ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, हो सकता है ये नंबर्स के अंदर 4, 5, ठीक है 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो एक पूरा वर्ल्ड बनेगा, एक पूरा चक्र बनेगा। तो ये जो सेपल्स का जो पूरा वर्ल्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे कैलिक्स। उसके बाद में जो ये आपको कलर रेड कलर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं पेटल। पेटल भी एक यूनिट है। पेटल का जो पूरा वर्ल्ड होता है उसको हम बोलेंगे कोरोला, और कोरोला की जो एक यूनिट होती है वो होता है एक पेटल। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ये वाली जो स्ट्रक्चर है देखो, ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें जो ये ऊपर वाला जो ये अटैचमेंट जो अपने को दिखाई दे रहा है ये पार्ट होता है एंथर, और नीचे जिससे एंथर जुड़ा हुआ है ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये होता है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं स्टैमिन। अब स्टेमिन जो है, स्टेमिन एक यूनिट है, यानी कि स्टेमिन्स का जो पूरा वर्ल्ड बनेगा, पूरा एक चक्र बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम है वो हो गया फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेम इसी तरीके से अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखो सबसे पहले आएगा स्टिग्मा। ये जो पूरा जो बीच वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये होगा स्टिग्मा। बीच में जो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये हो जाएगा अपना स्टाइल। उसके बाद में नीचे जो बेस वाला पार्ट है ये हो गया ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को बोलते हैं अपन पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या हुआ, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलेंगे अपन गाइनोशियम, जिसका फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर यूज होगा। अब देखो स्क्रीन पे आपको जैसा दिखाई दे रहा है
ये एक फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर किस तरीके से कीज का यूज किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है EBR, यहाँ पे ये एक सर्किल है इसके अंदर प्लस का साइन दिया हुआ है, एक ये अदर सिंबल यूज किया हुआ है, उसके बाद में K लिखा हुआ है कैपिटल में, C लिखा हुआ है, A दिया हुआ है और G दिया हुआ है। ये अलग अलग सिंबल्स का इसमें यूज किया हुआ है, तो ये सिंबल्स का यूज किस तरीके से किया हुआ है इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जो हम टर्म्स या हम शॉर्ट कीज यूज करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन एक नंबर पे बी आर, कैसे लिखा जाएगा इसको, कैपिटल बी और स्मॉल आर। ये बी आर जो है ये एक सिंबल है, ठीक है ना, ये एक सिंबल है और कंडीशन क्या होगी, ब्रेक टीए, कंडीशन क्या होगी, ब्रेक टीए। तो जिस फ्लावर में अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो कंडीशन हो जाएगी ब्रेक्टिएट फ्लावर, और सिंबल यूज होगा कैपिटल बी स्मॉल आर। सेकंड टी बी आर, अगर कोई फ्लावर के अंदर ब्रेक एब्सेंट यानी कि ब्रेक जो है वो उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो जो कंडीशन है वो कंडीशन होगी ई ब्रेक्टिएट, उस कंडीशन को बोलेंगे हम ई ब्रेक्टिएट कंडीशन, और सिंबल क्या यूज होगा, कैपिटल ई स्मॉल बी आर, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। अब एक बार आप वापिस ये फ्लावर फॉर्मूला एक नीचे दिया हुआ है इसको देखो, इसमें सबसे पहले ई बी आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी फ्लावर का ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है इस फ्लावर के अंदर ब्रेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मींस ये ई ब्रेक्टिएट फ्लावर है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेक्ट क्या होगा, व्हाट इज ब्रेक्ट। यहाँ पे ये देखो ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ये फ्लावर इस मदर एक्सिस से जुड़ा हुआ है, इस फ्लावर के जहां से फ्लावर जुड़ा हुआ होता है वहां पे एक स्पेशल लीफ बेस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इस पीस इस ये जो स्ट्रक्चर है लीफ टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसके फ्लावर जो है ये निकलता है, या फ्लावर का जो पेडिसिल होता है निकलता है, और यही जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम ब्रेक्ट कहते हैं। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना कि लीफ है, इसको हम लीफ नहीं बोलेंगे। इसको लीफ हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर मान लो ये लीफ होती, अगर मान लो ये लीफ होती तो इस पे लीफ बेस जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती, लाइक लीफ पेटियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता, लेकिन उस तरह के कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम सिंबल का यूज करेंगे, अगर एब्सेंट है तो कंडीशन हो जाएगी इब्रेक्टिएट और सिंबल यूज होगा कैपिटल ई बी आर। नेक्स्ट के बाद में टर्म आएगी कैपिटल बी आर एन और कैपिटल ई बी आर एन। पहले जो हमने देखा था वो था ब्रेक्ट, और अब बात आती है ब्रेक्टियोल। ये जो बी आर एन है ये ब्रेक्टियोल के लिए यूज होगा, यानी कि जिन फ्लावर्स में ब्रेक्टियोल प्रेजेंट होगा उसके लिए कंडीशन जो है वो यूज होगी ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, और सिंबल यूज करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर कैपिटल बी आर एल,
सिंबल यूज हो जाएगा कैपिटल बी आर एन और कंडीशन हो जाएगी ब्रैक्टियोलेट, यानी जिस फ्लावर के अंदर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है उसके फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम कैपिटल बी आर एन का यूज करेंगे, और अगर मान लो जिसके अंदर ब्रैक्टियोल एब्सेंट है प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर हम यूज करेंगे कैपिटल ई स्मॉल बी आर एन, ये कंडीशन होगी ई ब्रैक्टियोलेट। सेम वे से ही है, इस डायग्राम को आप देखो, इस डायग्राम में ये जो फ्लावर है, फ्लावर का जो पेडिसिल है, ये वाला जो पार्ट है फ्लावर का, फ्लावर पेडिसिल, जैसे लीफ में लीफ पेटियोल होता है, सेम वे से ही फ्लावर का जो ये पार्ट है ये हो गया फ्लावर पेडिसिल। इस पार्ट के ऊपर कहीं भी अगर मान लो लीफ जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे यहां पे देखो ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ब्रैक्टियोल। अगर मान लो ये प्रेजेंट है तो सिंबल यूज होगा बी आर एन और कंडीशन हो जाएगी ब्रैक्टियोलेट, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कंडीशन होगी ई ब्रैक्टियोलेट और सिंबल यूज होगा कैपिटल ई बी आर एन। ये दोनों ही टर्म है फ्लोरल फॉर्मूला को स्टार्ट जब अपन करते हैं लिखना तो सबसे पहले इन दो टर्म को अपने को देखना होता है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, इसमें हमने ये भी देख लिया कि ब्रैक्टियोल जो है वो क्या होता है, ठीक है, और ब्रैक्टियोल प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग दो तरह की कंडीशन है, ब्रैक्टियोलेट, अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टियोलेट, ये दोनों ही तरह की टर्म का फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर यूज होता है। क्लियर है, याद आया, आवाज नहीं आ रही है, आई आई सर, यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद में नेक्स्ट टर्म फ्लोरल सिमेट्री, यहां पे बात करेंगे अपन फ्लोरल सिमेट्री। इसमें देखो तीन तरह की टर्म्स अपने पास में है, पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक इसको बोलते हैं त्रिज्या सममित, सिंबल यूज होता है ये इस तरह का प्लस साइन जो होता है ये सिंबल इसके लिए यूज होता है, यानी कि जो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक है तो उस फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक, नेक्स्ट जो है वो अपनाता है जाइगोमॉर्फिक, मीन्स एक व्यास सममित, अगर कोई फ्लावर जाइगोमॉर्फिक तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेंटेज वाला सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद में नंबर तीन है एसिमेट्रिक, या इसको अपन नॉन सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो भी एक्टिनोमॉर्फिक है वो हमने क्यों कहा, या किसी फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक कब कहेंगे, या एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिकल फ्लावर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली कंडीशन है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ये कंडीशन क्या होती है, देखो जो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के अंदर होते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, जैसे यहां पे ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का जो डायग्राम दिया हुआ है उसको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि जो इस तरह के फ्लावर जिनको अपन किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी तल के अंदर अगर अपन उनको काटते हैं तो वो दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड होता है, या दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड होता है। अब ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है
इनको हम रेगुलर फ्लावर भी कह सकते हैं, ये टर्म भी यूज होती है, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर किसको बोलेंगे और इरेगुलर किसको बोलेंगे, पहले बात कर रहे हैं अपन एक्टिनोमॉर्फिक। तो जो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा वो फ्लावर रेगुलर भी होगा, और जो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा वो इरेगुलर होगा। अब रेगुलर टर्म का यूज क्यों किया कि जैसे मान लो कोई फ्लावर है और उसका पूरा वर्ड, जैसे यहां पे ये के लिखा हुआ है, के रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स को, जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद में सी दिया हुआ है, कैपिटल सी, कैपिटल सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोला को। उसके बाद में कैपिटल ए दिया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है एंड्रोसियम, यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कैपिटल जी, ये कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए कैपिटल जी का यूज होता है। तो के सी ए जी ये चारों जो कंपोनेंट है ये किसी भी फ्लावर के लिए एक चक्र होता है या एक वर्ण होता है। तो जिस भी फ्लावर के अंदर वर्ण के चारों कंपोनेंट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम अगर समान आकार में होंगे तो वो फ्लावर क्या होगा, रेगुलर, उसको हम रेगुलर फ्लावर कहेंगे, नियमित पुष्प। और जिसके अंदर ये चारों पार्ट यानी कि ये वर्ण के जो चारों कंपोनेंट है ये समान नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे इरेगुलर। अब सेकेंड टर्म आती है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे इंडिकेट करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर, ये जो परसेंटेज वाला साइन है इससे। जाइगोमॉर्फिक का हो गया एक व्यास सममित। अब ये वाला आप डायग्राम देखो, डायग्राम सी। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में क्या हो, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिक, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के फ्लावर्स को केवल हम एक ही प्लेन से काट के दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन जो होगा, तल जो होगा वो एक ही होगा। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है, प्लेन्स बहुत सारे हैं, किसी भी तल से काट सकते हो, लेकिन जाइगोमॉर्फिक के अंदर क्या होगा, केवल एक ही प्लेन से या एक ही तल से उसको दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह के फ्लावर्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, और इन्हें इरेगुलर टर्म का यूज भी इनके लिए अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे थे जो पहला है एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर, तो ये जो फ्लावर्स है ये हमें मालवेसी जो फैमिली है या सोलेनेसी फैमिली है उनके फ्लावर्स में देखने को मिलती है। अब नंबर तीन आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन है फ्लावर्स के अंदर वो लेग्यूमिनोसी है ना, फेबेसी फैमिलीज के फ्लावर्स में भी देखने को मिलती है। अब आता है एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिकल फ्लावर्स, ये थर्ड वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर फ्लावर को बराबर पार्ट के अंदर या टू इक्वल हाफ्स के अंदर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो फ्लावर्स है वो नॉन सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं। तो ये तीन तरह की सिमेट्री होती है किसी भी फ्लावर के अंदर, मेनली इन दो का यूज होता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। क्लियर है? यस सर, ठीक है ना। इसमें जो ये एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, इसमें आप केली जो होती है केना है ना, केली के जो फ्लावर्स होते हैं वो इसका एक गुड एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब देखो हम बात करते हैं मेल फ्लावर है ना, यानी कि फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बेस पे हम फ्लावर को
यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इस टर्म का यूज भी अपने को इस टैक्सोनॉमी के अंदर फ्लावर को अपन जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें करना होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल, भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं किसी भी फ्लावर के। अगर उन दोनों में से कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है तो फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। अब अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट है तो वो किस तरह का फ्लावर होगा, स्टेमिनेट। और अगर मान लो केवल फीमेल फ्लावर या सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट है तो वो किस तरह का फ्लावर होगा, पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, समझ में आई बात, स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होगा या फिर उसके अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होगा। और जिस फ्लावर के अंदर अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो वो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर दोनों तरह के पार्ट उपस्थित होंगे, प्रेजेंट हैं, तो वो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो सिंबल की बात करते हैं, ये सबसे पहले मेल फ्लावर के लिए सिंबल है। अगर मान लो कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो वो किस तरह का फ्लावर है, वो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है? तो अगर मान लो फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर, यानी कि उसके अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर मान लो केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो हम इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे। अगर दोनों बोथ मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। अब नंबर फोर्थ कंडीशन आती है कैपिटल एन। कैपिटल एन यूज हो रहा है न्यूटर के लिए। न्यूटर कौन सी कंडीशन है, न्यूटर वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिवली फंक्शन नहीं करता। तो इसमें भी दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है। अगर मान लो कोई फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है लेकिन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है ये स्टेराइल है, फंक्शन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में फ्लावर क्या होगा, मेल स्टेराइल फ्लावर। और जब मान लो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनली एक्टिवेट नहीं है या रिप्रोडक्टिव की कैपेसिटी है वो नहीं है, तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा, फीमेल स्टेराइल प्लांट। तो किस तरीके से हम इसको एकदम इजीली समझ सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर और न्यूटर फ्लावर। एक बार वापिस हम इस इमेज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मेल फ्लावर की बात की, ये टिपिकल स्ट्रक्चर दी हुई है स्क्रीन पे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का फिलामेंट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक येलो कलर का एंकर अटैच। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट क्या होगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियल स्ट्रक्चर होगी। तो अगर मान लो इस फ्लावर के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो बीच वाली स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा। और अगर मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, मेल स्टेराइल प्लांट होगा। समझ में आई बात। अब इसका उल्टा करके देख लेंगे, है ना,
जैसे मान लो इस फ्लावर के अंदर केवल ये ओवरी वाला जो पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पार्ट प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है ये नहीं है इसके अंदर या एब्सेंट है, तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा? फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल के अंदर फीमेल फ्लावर होगा। और अगर मान लो ये फंक्शनली काम नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्टिव के अंदर ये पार्टिसिपेट, रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? फीमेल स्टेराइल प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है टैक्सोनॉमी के अंदर, फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर इनका यूज होगा। इसके बाद में देखो किस तरह की जो कीज है उनका यूज होगा, ये हम वैसे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि इनमें क्या डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये जो ग्रीन लीफ वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस एक स्ट्रक्चर को अपन सेपल कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी कितने सेपल्स प्रेजेंट है, चार पांच छह, जितने भी सेपल्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? कैलिक्स। उसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स, ठीक है ना। सेपल्स का एक पूरा वर्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं नॉर्मली, और कई बार कलरफुल भी होते हैं। सेकंड आता है, सेकंड जो है वो है कोरोला, ग्रुप ऑफ कलरफुल पेटल्स। फ्लावर के अंदर जो भी कलर वाला पार्ट में दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें देखो ये रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? पेटल्स। इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या बनेगा? कोरोला, यानी कि इसका पूरा जो वर्ल्ड बनेगा उसको हम कोरोला कहेंगे, ठीक है ना। कलरफुल जो भी पार्ट होता है, लीफी जैसी, पेपर लीफी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कोरोला कहते हैं। ये भी वर्ल्ड के अंदर होता है, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेरियन, इसको हम कैपिटल पी से लिखेंगे। किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर अगर मान लो के नहीं दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है, यानी कि कैलिक्स और कोरोला दोनों ही नहीं दिए हुए, कोई भी फ्लावर का फॉर्मूला हो सकता है, और उसके अंदर मान लो जैसे पी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हो गया पेरियन। पेरियन कब बनेगा? फ्यूजन ऑफ कैलिक्स और कोरोला। कुछ फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कैलिक्स यानी कि जो सेपल्स होते हैं और कोरोला यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको पेरियंथ बोलते हैं। और पेरियंथ की यूनिट जो है वो होगी टेपल्स। जैसे कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स, कोरोला की यूनिट है पेटल्स, सेम इसी तरीके से पेरियंथ की जो यूनिट है वो हो जाएगी टेपल्स। नेक्स्ट एंड्रोसियम, ये टर्म जो दी हुई है कैपिटल ई पी आई एपिकैलिक्स, इसको आगे वाले या आगे वाली जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें समझेंगे। यहां पे देखो अब कैपिटल ए दिया हुआ है, यहां पे जो हमने बात की थी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर कैपिटल ए लिखा हुआ है, यानी कि ये एंड्रोसियम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एंड्रोसियम क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। और कैपिटल जी यानी गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। अब इनको सबको हमें डिटेल के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। कैलिक्स, तो कैलिक्स का अरेंजमेंट क्या है, यानी इनका किसी भी फ्लावर में एस्टिमेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सेपल्स, कलर ऑफ सेपल्स, सेम इसी तरीके से कोरोला के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स, इनका अटैचमेंट किस तरीके से है, या फिर ये कैलिक्स से जुड़े हुए हैं या फ्री है, तो उसके हिसाब से
अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होती रहेगी, इसमें बहुत सारी आगे अपनी टर्म्स आएगी। तो ये वाली जो स्लाइड है सिंबल्स यूज इन फ्रॉलर फॉर्मूला के अंदर के सी पी ई ए जी, इन सारी टर्म्स को या आर्टिफिशियल कीज को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स।